देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवान खिलाड़ियों को लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इसी बीच अब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी पहलवानों को समर्थन देने का फैसला लिया है। आज यानी सोमवार को वो धरने में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। वहां जाने से पहले उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट कर एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष आप सबके साथ के बिना संभव नहीं है। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने पहलवानों के समर्थन में शामिल होने से पहले जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी सफर छोटा है पर संघर्ष बड़ा है। आज से ठीक 6 साल पहले जंतर मंतर से बहुजन क्रांति शुरू हुई। इसके साथ ही उन्होंने कई बड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। बीते 6 सालों के दौरान हुई कई घटनाओं की भीम आर्मी चीफ ने याद दिलाई और लोगों से कहा कि ये संघर्ष आप सबके साथ के बिना संभव नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने बीते बड़े मुद्दों की याद दिलाते हुए कहा कि हाथरस की बहन मनीषा वाल्मीकि का मामला, CANRC का जामा मस्जिद पर आंदोलन, 69,000 शिक्षक भर्ती में OBC आरक्षण घोटाला, इंद्र मेघवाल जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड, कानपुर के मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या, कासगंज में पुलिस हिरासत में अल्ताफ की मौत, औरैया में स्कूल टीचर की पिटाई से दलित छात्र निखित की मौत, मेरठ में छेड़छाड़ से परेशान हो BSS छात्रा बानिया शेख द्वारा की गई आत्महत्या, राजस्थान के नासिर जुनैद की निर्ममता से हत्या, जाति जनगणना को लेकर 5 सूत्रीय धरना प्रदर्शन और आंदोलन, ग्वालियर के आकाश गुर्जर का फेक एनकाउंटर, बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान के भोपाल में ऐतिहासिक रैली। उन्होंने आगे कहा, अब बहन बेटियों के सम्मान में आज फिर जंतर मंतर पर संघर्ष। ये संघर्ष आप सबके साथ के बिना संभव नहीं था, लेकिन हमारा मकसद भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व मान्यवर कांशीराम जी के मिशन बहुजन समाज को शासक बनाना है, उसको सफल करना है। इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहता हूं। जय भीम जय भारत। बता दें कि धरना दे रहे पहलवान अब बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि सांसद के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हो चुकी है।